हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं सैमसंग वॉशिंग मशीन टॉप लोडेड का पार्ट टू वीडियो। जैसे कि मैंने बोला था कि इस वॉशिंग मशीन का मैं पार्ट टू वीडियो लेकर आऊँगा। इसको कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे इंस्टॉल करना है, सारा फंक्शन मैं पूरा फंक्शन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप जाकर चेक कर सकते हैं पिछला वीडियो। इस सैमसंग वॉशिंग मशीन का मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया था और उसका मैं फुल वीडियो में बताया था कि कैसे कहाँ से मंगाया था मैं, कैसे है, क्या है, नहीं है, सारा कुछ मैं उस वीडियो में मैंने बताया है। अब इस वीडियो में मैं आपको कैसे इसे ऑपरेट करना है, कैसे चलाना है, कैसे इंस्टॉल करना है, क्या क्या इसमें दो तीन चार पॉइंट है ऐसा जिसका ध्यान रखना है यूज़ करने से पहले, इसे चालू करने से पहले, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह का वीडियो, अमेजिंग वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं, आपको बताता हूं कि इसे कैसे, पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे इंस्टॉल करते हैं। इसे मैं खुद से इंस्टॉल मैंने कर लिया और इंस्टॉल करके मैंने खुद से स्टार्ट कर लिया इसे, ठीक है। तो गाइस मैं आपको पूरा इसे, आप अगर पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए गाइस, ये इसका लुक बहुत अच्छा है, ये सैमसंग का है, ये 5 स्टार का है। मैं आपको शॉर्ट में दिखाता हूँ इसे, ये बहुत ज़बरदस्त है, ये टॉप लोडेड है, ये 7 kg का है। देखिए ये पूरा फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन है, यही मैं आज बताऊंगा आपको कि कैसे इसे ऑपरेट करते हैं। बहुत ईजी है गाइस, आप वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, आप वीडियो में बने रहिएगा। दो दो चार पॉइंट ऐसे से हैं जो आपको बताऊंगा मैं कि इसका इसमें क्या ध्यान रखना है आपको यूज़ करने से पहले, कैसे यूज़ करना है, दो तीन पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है गाइस। तो गाइस अब हम आपको पहले बताते हैं इंस्टॉल कैसे करना है गाइस। फर्स्ट में आउटलेट वाटर, देखिए गाइस आपको दिखा देता हूँ मैं, ये पाइप है, आउटलेट वाटर का पाइप है ये, देखिए गया हुआ मेरा थी में गाइस। देखिए ये देखिए गाइस, देख पा रहे होंगे कि देखिए गाइस यहाँ पे पिन है, तो एक पिन देता है और ये पाइप देगा, तो वहाँ पे पाइप घुसा के यार पिन वहाँ पे लॉक ब्लॉक कर देना है, बस कुछ नहीं करना है गाइस, वहाँ पे पिन ब्लॉक कर देना है, लगा देना है, ये लॉक हो जाएगा गाइस। अब ये फिर पाइप आपका निकलेगा नहीं, देखिए गाइस ये नहीं खिंचाने के लिए गाइस। और ये पाइप हमेशा आपका एकदम ऐसा लेटा हुआ होना चाहिए, कभी भी पाइप ये उठा हुआ नहीं होना चाहिए गाइस। ये आपको ख्याल रखना है कि ये पाइप हमेशा नीचे रहे, ये उठा हुआ ना रहे, ताकि पानी इस वॉशिंग मशीन का इजीली बाहर निकल जाए गाइस। फर्स्ट सेकंड में हो गए गाइस। अब इनलेट वाटर में मैंने आपको दिखाया था कि एक कोल्ड वाटर है, इधर देखिए ये कोल्ड है और इधर हॉट है, तो आप हॉट में भी लगा सकते हैं। तो मैंने कोल्ड वाला मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कितना ईजी है गाइस। एक सेकेंड गाइस, मैं पाइप लेके देखिए कुछ इस तरह का रहेगा पाइप रहेगा गाइस। देखिए ये कुछ इस तरह का पाइप रहेगा, ये देखिए देख सकते हैं गाइस, ये देखिए है ना, तो ये आपका इधर ही गाइस देख सकते हैं, ये जो है ये गुना यहाँ पे रहेगा, ये जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरह से रहेगा, इसको हम यहाँ पे सेट कर देंगे गाइस। देखिए यहाँ पे मैं इसे यहाँ पे आपको सेट करके दिखाता हूँ, ये इजीली घूमता है, मैं सिंगल हैंडेड से मैं इसे कर रहा हूँ, इसीलिए मैं नहीं हो पा रहा है, वर्क हो पा रहा है, ये बहुत ही ईजिली आप इसे सेट कर सकते हैं गाइस। देखिए गाइस मैं इसे सेट कर दिया और अच्छे से इसको टाइट कर देना है गाइस, ये हो गया टाइट, ये हो गया। अब उसके बाद इसको कनेक्शन देना है आपका अपना नल में गाइस, अपना नल में, ये जहाँ भी आपका नल है टैप है, अगर आप कनेक्शन इसके लिए स्पेशली किए हैं तो वहाँ भी आप कर सकते हैं। और इसका एक रहता है देखिए गाइस, लगा हुआ रहता है ये, आप इसको पहले आप कस लें अपना टैप में, नल में इसको पहले टाइट कर लें, ऐसा नहीं ये देखिएगा ये खुलेगा, ये गाइस आपका ये खुलेगा, तो इसको खोल के आप इसे तब लगाएंगे गाइस, इसको खोल के और उसके बाद फिर इसको टाइट कर लें टैप में, उसके बाद फिर इसको लगाएंगे गाइस। तो देखिए मैं इसको अभी आपको लग गया, देखिए गाइस ये सेट हो गया पूरा, आपको ऐसा सेट रहेगा, बट इसको ऐसा खोल के और इसको सेट कर लेना है टैप में, उसके बाद फिर आपको गाइस तब इसको लगाना है गाइस, तभी ताकि ये पाइप फटने उठने का डर टूटने का डर होता है गाइस, इसीलिए वैसा मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए गाइस ये हो गया, अब मैं इस टाइप को मैं खोल दूंगा, देखिए गाइस इसे मैं खोल दिया, अब इसे मैं चालू कर सकता हूँ, ऑपरेट कर सकता हूँ गाइस, इसे खुल गया गाइस, अब इसे मैं ऑपरेट कर सकता हूँ। यहाँ पे प्लग है, इस प्लग को मैं लगा लिया, देखिए प्लग है, देखिए देख सकते हैं ये प्लग है, इसे मैं लगा दिया, ठीक है गाइस। अब इधर हो गया इंस्टॉल, हो गया, बस इतना ही है गाइस, इसको इंस्टॉल करना है और उसके बाद फिर इसे आप एकदम ये ध्यान रहे, मैं अभी फ्लिपकार्ट से ही ऑर्डर किया हूँ ये इसका स्टेन, इसे आप एकदम जरूर से जरूर आप इसे स्टेन पर रखें, ज़्यादा इसके लिए बहुत ही सेफ होता है, ठीक है। तो ये आपका वॉशिंग मशीन के लिए ही सेफ है अगर आप स्टेन पर रखते हैं तो। देखिए ये प्लग लग गया, आउटलेट इनलेट हो गया, इनलेट लग गया और आउटलेट भी लग गया, बस इसे आप ऑपरेट कर सकते हैं गाइस। तो ये ऑपरेट करने के लिए तैयार है गाइस, चलिए मैं आपको ऑपरेट करके दिखाता हूँ गाइस। आप वीडियो जरा सा भी आप स्किप नहीं कीजिएगा गाइस, आपको मैं पूरा फुल बताऊंगा ऑपरेट इसको कैसे ऑपरेट किया जाता है गाइस। देखिए ये थोड़ा सा मैं सेट कर रहा हूँ गाइस, ये हो गया सेट हो गया, अब मैं इसे ऑपरेट करके आपको दिखाता हूँ गाइस। तो गाइस ये देखिए सेट हो गया, ये इंस्टॉल हो गया, ये पूरी तरह से इंस्टॉल हो गया, पूरा कनेक्शन, सारा कनेक्शन जितना भी कनेक्शन था गाइस सब कनेक्शन लग गया इसमें,
पूरा सारा कनेक्शन पाइप का कनेक्शन सब लग गया। चलिए मैं आपको ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे मैं स्विच ऑन करता हूँ गाइस, स्विच ऑन हो गया। अब गाइस ये स्विच ऑन आ गया, आपको हमेशा स्विच ऑन ऑफ करने का जरूरत नहीं है। देखिए स्विच ऑन की इसमें लाइट तो आ गया बट यहाँ पे ये डिटेक्ट नहीं किया क्योंकि इसे इंजन को मैं चालू नहीं किया हूँ। तो आपको हमेशा स्विच ऑन ऑफ नहीं करना है और ना हमेशा आपको यहाँ पे टैप बंद करना है खोलना है हमेशा। ये देखिए पहला पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट आ गए हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि टैप को कभी भी आपको बंद नहीं करना है और स्विच को कभी भी बंद नहीं करना है। टैप और स्विच कभी भी आपको बंद नहीं करना है, वो हमेशा ऑन ही रखना है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आप चालू कीजिएगा तो चालू हो जाएगा गाइस। तो ये पहला पॉइंट को आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरा पॉइंट, आपको हमेशा जब भी आप इसे चालू कर आप वॉशिंग मशीन यूज करने जा रहे हैं तो अगर आपका टंकी फुल है, अगर आपका टंकी भरा हुआ है पानी से, पूरा टंकी फुल है, तो मेरे सजेशन से कि आप उसे फुल कर लें। अगर खाली है तो उसे पूरा टंकी फुल कर लें तभी आप वॉशिंग मशीन चालू करें। ताकि अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ताकि पानी इसमें प्रेशर से आए और अच्छा थोड़ा सा ऑपरेट हो सके, अच्छे से ऑपरेट हो सके, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। वो हल्का पानी रहेगा तो आ जाएगा लेकिन बट प्रेशर से नहीं आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पानी टंकी पूरा फुल रहे तभी आप इसे ऑपरेट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा गाइस। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, स्विच ऑफ कभी ना करें, ना टैप बंद करें और टंकी आप हमेशा फुल रखें तभी आप इसे ऑपरेट करना शुरू करें। तो चलिए मैं अब इसे चालू करता हूँ गाइस। अब देखिए इसे मैं चालू करूँगा, एक सेकेंड गाइस। देखिए ये आ गया, ये देखिए ऑन का बटन है गाइस, देख सकते हैं ये आपको दिख रहा होगा। अब मैं इसे ऑन करूंगा तब इसमें लाइन आएगा, कनेक्शन तो आ गया बट अभी इसमें चालू नहीं हुआ है। देखिए गाइस हो गया ना, लाइट जल गया, इसका मतलब ये वॉश करने के लिए रेडी है। अब हम इसमें कपड़ा डालेंगे, अब इसको खोलेंगे, इसको खोल के कपड़ा डालेंगे इसमें और डाल के और फिर डिटर्जेंट डालेंगे, मतलब सर्फ। दूसरा तीसरा पॉइंट, अगर आपको सर्फ डालना है तो डायरेक्ट इसी में डालिए गाइस, डायरेक्ट इसको इसके टैंक में ही डालिए डायरेक्ट। अब आप कहिएगा कि इसमें ये क्यों दिया हुआ है गाइस, ये इसलिए दिया हुआ है कि ये आप इसमें केवल और केवल आप लिक्विड डालिए, इसमें केवल और केवल लिक्विड डालिए गाइस, क्योंकि गाइस अगर आप उसमें सर्फ डालते हैं तो इसमें क्या होगा, ये रोटेट तो करता है लेकिन सर्फ क्या होता है डिटर्जेंट, इधर उधर रह जाता है गाइस, इसीलिए इसमें आप लिक्विड का अगर यूज़ कर रहे हैं तो लिक्विड ही डालिए। और तीसरा पॉइंट हो गया कि इसमें आप कभी मत सर्फ डालिए गाइस। और इसमें बोलता है इको बबल्स, देखिए लिखा हुआ गाइस यहाँ पे इको बबल्स, बट इसमें कोई बबल्स होता नहीं है, बस ऐसा ही है, पता नहीं मेरा तो यहाँ पे नहीं आता है बबल्स, मैंने देखा बस वो आता है हल्का फुल्का बुलबुला टाइप के आता है लेकिन वैसा बबल्स नहीं आता जैसा कंपनी सजेस्ट करती है बोलती है, वैसा इसमें बबल्स नहीं आता है। बट ठीक है, बस हमेशा ख्याल रखिए कि इसमें आप लिक्विड डालिए गाइस और सर्फ इसमें डालिए। तो ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, देखिए ये है ना आपका, ये इसको आप कपड़ा इसमें जब वॉश कीजिएगा तो पांच बार अगर आप कपड़ा इसमें धोते हैं तो पांच बार कपड़ा धोने के बाद गाइस ये है, देखिए यहाँ पे हाथ रखिए और इसको ऐसा करके खोलिए और इसको ऐसा करके खुल जाएगा इजीली। और ये है, इसमें क्या होता है जितने भी इसका कपड़े का जो रुई होता है, इसे उलेन कपड़ा डाले हैं तो उसका रुई हो गया या फिर रेशा हो गया, ये सारा का सारा इसी में जाके स्टोर होता है गंदगी, तो ये गंदा हो जाता है गाइस। तो इसे आप दो तीन चार वाश के बाद, चार पांच वाश के बाद आप इसे ऐसे कर सकते हैं। देखिए गाइस एक सिक्का भी इसे मिला है, देखिए देख सकते हैं गाइस, ये लगता है वाश हुआ और इसमें जाके स्टोर किया, देखिए देख सकते हैं गाइस जो सिक्का था इसमें आके चला गया, इसमें आ गया, देखिए गाइस देख सकते हैं आप, अभी ये वॉश हुआ है, देखिए इसमें देख सकते हैं गाइस, देख पा रहे हैं, देखिए कचरा इसमें। तो इसे आपको दो तीन वॉश में, अगर आप उलेन कपड़ा धो रहे हैं तो आप दो बार तीन बार में भी चेक कर सकते हैं। और आपको डॉट लगे नहीं, कोई सामान है क्या, सिक्का है क्या, ये चीज़ कंपनी और बोलती है, ये पता नहीं मिस्टेक से रह गया होगा, कि आप जब भी कोई भी कपड़ा डालते हैं किसी प्रकार का कपड़ा तो उसमें देख लें कि उसमें कोई सामान तो नहीं है, उसे मशीन का सेंसर खराब होता है, इसलिए आप ख्याल रहे आपको कि कभी भी आप कोई भी कपड़ा डालते हैं तो उसमें सिक्का होगा कुछ कोई सामान नहीं हो, तभी आप उसे चेक करके अच्छे से चेक करके डालिए गाइस। तो इसे आप खोल के और इसे यहाँ पे खोलिएगा, ये खुल जाएगा, इसे अच्छे से धो धा के वॉश कर लीजिए और वॉश करके उसको सेम फिर से उसको इजीली आप वहाँ लेट के ऐसे रखिए और ऐसे करके लगा दीजिए, देखिए लग गया गाइस, लग गया ना, अब ये हो गया। अब इसमें आप पूछिएगा गाइस इसमें कितना कपड़ा धो सकते हैं, अब इसमें कपड़ा आपको मैक्सिमम 12 से 15 कपड़ा आप इसमें डाल के धो सकते हैं, 7 kg का है ये, इसलिए मैं बता रहा हूँ 7 kg वाला जो है, इसमें 12 से 15 कपड़ा आप इसमें डाल के धो सकते हैं गाइस। आप कहिएगा मिनिमम कपड़ा मैं कितना धो सकता हूँ, मिनिमम कपड़ा आप एक तो धो सकते हैं, दो तीन चार पाँच मिनिमम एक भी धो सकते हैं, लेकिन आपका गाइस ये मशीन क्या है आपको मैं आगे बताऊंगा, ये मशीन क्या है, ये मशीन ये देख रहे हैं, ये एल मतलब लोअर, एम मीडियम और एच हाई, ये लोअर मीडियम और हाई, ये तीन इसका लेवल है। तब लोअर हमें है कि जब ऑटोमेटिक ये सेट करता है पानी, तो ये जब पानी सेट करता है तो ये लोअर इतना इतना पूरा आ जाता है, करीब करीब 10 लीटर पानी ये ले लेता है। तो आप अगर एक कपड़ा भी धोते हैं तो 10 लीटर पानी धोएगा,
और 5 कपड़े धोते हैं तो 10 लीटर पानी धोएगा। तो मिनिमम अगर 4-5 कपड़ा अगर आप धोते हैं तो आपके लिए बेनिफिट है, सर्फ भी उतना खर्च होगा। और आपको एक 10 लीटर पानी में सोच लीजिए गाइस कि आपको कितना सर्फ लगेगा। इसीलिए ज्यादातर लोग 3-4 कपड़ा डालते हैं ताकि मेरा सर्फ ज्यादा डिटर्जेंट ज्यादा बर्बाद मेरा ना हो। तो इसलिए 3-4 कपड़ा डालिए और ताकि आपका डिटर्जेंट ना ज्यादा बर्बाद हो और कपड़ा अच्छे से धुलेगा आपका एक कपड़ा भी। तो गाइस अब हम आगे चलते हैं, ये हो गया अब कपड़ा डाल कैसे धो सकते हैं। अब आगे मैं आपको बताता हूँ इसका ऑपरेट कि आपको कैसे कैसे ऑपरेट करना है गाइस। आप देखिए गाइस यहाँ पे आ गए, देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे है गाइस, ये देख रहे हैं ये ऐसा साइन। तो गाइस यहाँ पे इसको क्लिक करना है। अब कहिएगा कि इस पर टच करने से कुछ नहीं होता है, ये टच करने से कुछ काम नहीं करता है। यहाँ से आपको नंबरिंग सेट करना है गाइस। तो आप देखिए यहाँ पे एक सेट किए, एक नंबर, देखिए गाइस ये एक नंबर दिखा, फिर दो सेट किए दो नंबर, फिर यहाँ पे तीन सेट किए तीन नंबर। देखिए तीन नंबर में अगर हम धोएंगे तो 44 मिनट्स लगेगा, इसमें टाइम दिखा रहा है कि 44 मिनट्स लगेगा। वो कपड़ा के अनुसार भी डिटेक्ट करता है, वो दिखा रहा है इसी टाइम, लेकिन कपड़ा जितना कपड़ा रहेगा उसके अनुसार वो बता देगा कि कितना टाइम लगेगा। उसके बाद 5 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, ये 6 में हो गया, उसके बाद 7 हो गया, 8 हो गया, या फिर 1 आ गया। तो गाइस अब हम बताते हैं, मतलब कि आपको नंबरिंग यहीं से करना है। देखिए ये दिख रहा है स्क्वायर दिख रहा है, इसी से साइकिल लिखा हुआ है साइकिल, इसीलिए तो इसी से आपको ऑपरेट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 देखिए है ना, इसी से करना है। तो गाइस आप बताते हैं एक में अगर सेट कीजिएगा, एक में क्या है गाइस कि एक में आप जितने भी नॉर्मल कपड़ा मतलब डेली यूज करते हैं, जैसे जो भी डेली का रेगुलर यूज जो कपड़ा करते हैं, जो रोज रोज प्रतिदिन यूज कर रहे हैं, धो रहे हैं, वो सब कपड़ा आप नॉर्मल में डेली केयर, बच्चा उच्चा का भी कपड़ा है आपका, बच्चा उच्चा कपड़ा, जो भी जितना बच्चे कपड़ा है और आपका कपड़ा है, जितने फैमिली का कपड़ा है डेली जो यूज कर रहे हैं, वो सब नॉर्मल में आप वॉश कर सकते हैं। क्विक वॉश में जो कपड़ा कम गंदे हैं, थोड़ा कम गंदा है गाइस, मतलब थोड़ा कम अच्छे है, और जो कभी कभी ओकेजनली यूज कर रहे हैं कपड़ा, जो कपड़े आप ओकेजनली यूज कर रहे हैं, उसे आप दो नंबर में धो सकते हैं। उसके बाद अब बताते हैं गाइस एक नंबर में नॉर्मल वॉश में कितना मिनट लगेगा। एक मिनट में अप्रॉक्सिमेटली टाइम लेता है, ये लगभग 44-45 मिनट टाइम लेता है गाइस एक नंबर में। अगर एक नंबर में आप धोते हैं तो दो नंबर में मैक्सिमम टाइम ये लेगा 30-35 मिनट में ये धोएगा। मैक्सिमम टाइम 30 मिनट में धो के सुखा के मतलब सारा कुछ कर देगा आपको। इसमें नॉर्मल भी अगर 45 मिनट बोले तो 45 मिनट आपको वॉश कर देगा, सुखा देगा, मतलब सब कुछ कर देगा 45 मिनट में। ये 35 मिनट में ही सब कुछ कर देगा। ये 3 नंबर में डेलीकेटेड्स, देखिए लिखा हुआ 2 नंबर में दिख रहे हैं, क्विक वॉश है इसलिए इसको बोला गया क्विक वॉश, जो 35 मिनट में धो देता है। ये डेलीकेटेड्स है, डेलीकेटेड्स में क्या है कि सॉफ्ट कपड़ा, मुलायम कपड़ा, जैसे आपका उलेन कपड़ा हो गया, चादर हो गया, उलेन कपड़ा जो जितने भी हैं वो आपको, या फिर अच्छे से महंगे महंगे कपड़े हैं आपका, आपके पास कोट है, जैकेट है, अच्छे जैकेट्स हैं, ब्लेजर्स हैं, ये सब चीज़ आप 3 नंबर में डेलीकेटेड्स में धो सकते हैं, जो बहुत ही सॉफ्ट हो, मुलायम हो। ये आपको इसको ये लगता है लगभग 60 मिनट्स टाइम लेता है, 60 या 65 मिनट्स टाइम लगेगा 3 नंबर में। बेडिंग में आपको 72 मिनट टाइम लगेगा। बेडिंग में आपको बेडिंग समझ ही गए होंगे बेडिंग से, कि ये बेडिंग में क्या है कि आपको बेडशीट चद्दर पर्दा आपका सोफा कवर जितनी भी ये सब चीज़ हैं वो सब बेडिंग में आप धो सकते हैं। जींस में आप केवल जींस 5-6 जींस है आपके पास, 4-5-6 जींस है, अगर केवल जींस है, या फिर हार्ड कपड़ा है, मोटा कपड़ा है अगर आपके पास, तो वो आप मोटा कपड़ा, हार्ड कपड़ा, जींस में आप 5 नंबर में धो सकते हैं। इमरजेंसी सेविंग क्या है दिया गया, देखिए बहुत अच्छी चीज़ दिया है, ये बहुत अच्छा चीज़ हमको बहुत अच्छा लगा ये सैमसंग में, अगर फीचर्स नया फीचर्स ये लॉन्च इसमें लगाया है, ऐड किया है। एनर्जी सेविंग में क्या है कि अगर आपको कोई थोड़ा बहुत कपड़ा धोना है और आपका लाइट कटा हुआ है, तो इन्वर्टर से आप कनेक्शन देके इन्वर्टर से कनेक्ट कीजिए इसे वॉशिंग मशीन को, और कनेक्ट करके आप इसे धो सकते हैं, आपका एनर्जी उसका कम आएगा, मतलब आपका वो उसमें कंज्यूम एनर्जी कम करेगा गाइस, इसलिए एनर्जी सेविंग में। रिंग्स एंड स्पिन मतलब धोना और सुखाना, रिंग्स एंड स्पिन मतलब धोना, धोएगा और सुखाएगा। अगर आपको कपड़ा बाहर धो लिए हैं, साफ कर लिए हैं, सर्फ से साबुन से साफ कर लिए हैं, आप चाह रहे हैं नई वॉशिंग मशीन डाल दें, इसे धो दें और सुखा दें, तो रिंग्स एंड स्पिन में आप 7 नंबर करके इसे कर सकते हैं। इसको इको ट्यूब मैं आपको बाद में बताऊंगा गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे मैं आपको आगे मैं बताता हूँ, तब ये मैं इको ट्यूब लिखा हुआ, इको ट्यूब मैं इसे बाद में बताऊंगा, पहले मैं आगे इधर मैं बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। अब गाइस ये हो गया, ये तो मैं आपको बता दिया साइकिल है जिसे सेट करने के लिए है। ये है डिले एंड, ये ज़्यादातर मेट्रो सिटी में ज़्यादातर काम आता है गाइस, कि अगर आप मेट्रो सिटी में है, आपके पास अगर नल में पानी आता है टाइम टू टाइम, तो ये देखिए 1 घंटा 2 घंटा 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा करके ये आता जाएगा, देखिए आ रहा है ना, देखिए ये है ना गाइस, ये क्या दिखा रहा है, बता रहे हैं आपको ये क्या है कि आपको कितना घंटा में आपको ये मशीन को चालू करना है। ऐसे मान लीजिए आपको 5 घंटे के बाद पानी आएगा, या फिर कहीं आप जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं, और 4-5 घंटे बाद आप चाहते हैं कि मशीन चालू हो ऑटोमेटिकली, तो आप इसमें डिले एंड में आप सेट कर दीजिए,
24 घंटा चलेगा, देखिए 24 घंटा देखिए गाइस फिर से 1 घंटा हो गया, तो 1 घंटा के बाद 2 घंटा के बाद जितना घंटा के बाद अभी से देखिए फिर से मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए ये पूरा 24 घंटा तक जाएगा गाइस, देखिए 20 21 22 23 24 देखिए आ गया खत्म, फिर से एक आ गया। तो गाइस इसे आप 1 घंटा 2 घंटा जितना बाद 1 घंटा बाद ऑटोमेटिकली इसमें सब कुछ डाल दीजिए, सर्फ साबुन सब जितने भी डालना है सब कुछ डाल दीजिए डाल के और इसे आप सेट कर दीजिए 1 घंटा 2 घंटा, तो ये चालू हो जाएगा ऑटोमेटिकली ले लेगा, चालू हो जाएगा ये शुरू कर देगा। आप सेट कर दीजिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जितना नंबर पे आपको सेट करना होता है नंबर पर सेट करके और इसे डिले का सेट कर दिए और चालू कर दिए इसे। तो गाइस आपको फिर से मैं क्लियर करता हूं, अगर आप डिले एंड में करते हैं तो डिले एंड में सेट करके उसके बाद फिर यहां पे आप 1 नंबर 2 नंबर करके और उसके बाद फिर यहां पे आप स्टार्ट कर दीजिए, यहां पे जैसे स्टार्ट कर दीजिएगा ये मशीन चालू हो जाएगा, चालू हो जाएगा 1 घंटे बाद। तो गाइस अब आ गया ये वाटर लेवल, तो वाटर लेवल ये आ गया गाइस, तो ये 1 3 आप इसे इसमें वाटर लेवल ऑटोमेटिकली लेता है ऐसे ऐसे कि इसमें वाटर लेवल ऑटोमेटिकली लेता है कपड़ा के वेट के अनुसार, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसमें ऐसे आपका वैसा कोई कपड़ा है जो कंबल है ऐसा कोई बड़ा चादर है तो चाहते हैं कि नहीं थोड़ा सा पानी वाटर लेवल बहा के हम दें, तो जब ये वाश हो जाता है सर्फ से वाश कर लेगा पूरा अच्छे से सर्फ से वाश कर लिया, तो वाश करने के बाद आप इसे वाटर लेवल आप सेट कर दीजिएगा 4-5 वाटर लेवल सेट कर दीजिएगा, बस पूरा भर के पानी है और अच्छे से उसको सुखा देगा मतलब पानी से वाश कर देगा, तो ये वाटर लेवल आप सेट कर सकते हैं कभी भी। लेकिन हाँ जब सुखाएगा उस समय ही सेट होगा, केवल धोने समय सेट होगा, जब ये जब रिंस करेगा जब ये धोएगा उस टाइम आपको ये सेट कर सकते हैं गाइस। अब आगे आते हैं गाइस फंक्शन, ये फंक्शन क्या है गाइस आपको बताते हैं, ये लिखा बना है वाश रिंस और स्पिन्स, ये है क्या है कि आप अगर चाहते हैं कि नहीं केवल और केवल हमको वाश करना है तो गाइस ये फंक्शन पर क्लिक कीजिए, देखिए आ गया वाश बटन, वाश पर रेड रेड जल रहा है इसका मतलब केवल और केवल वाश होगा अभी और ये 16 मिनट में वाश करके निकाल देगा। अगर हम केवल रिंस करना चाहते हैं, केवल और केवल क्या करना चाहते हैं धोना चाहते हैं तो धूप पर करेंगे तो 7 मिनट में धो देगा, उसके बाद नहीं अब हम क्या चाहते हैं कि नहीं बाहर से धो लिए हैं अब हमको केवल सुखाना है, सुखाने के लिए गाइस 1-2-3-4 कपड़ा, एक कपड़ा भी आप जंघिया अपना अपना गंजी भी बने मतलब कुछ भी आप एक सिंगल कपड़ा भी आपको भी सुखा सकते हैं, तो ये पे 3 बार स्पिन कर दीजिएगा ये 13 मिनट में आपको सुखा देगा। तो अगर आपको केवल सुखाना है तो आप ये 1 सेकंड देखिए ये सब जला हुआ है, ये सब जला हुआ है तो 1 बार 2 बार 3 बार तो ये सुखाने हो जाएगा आप, और आपको अगर केवल वाश करना है और धोना है तो ये फिर से क्लिक कीजिएगा, जो लाइट जलेगा आपको वो आपको उसमें बता देगा गाइस, तो ये टाइमिंग भी यहाँ पे दिखा देगा आपका। इसमें बताते हैं 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया, 4 नंबर बेडिंग हो गया, देखिए 97 मिनट दिखा रहेगा इस बेडिंग में, हम तो कभी बोलिए 97 मिनट में बेडिंग होगा। ये 5 नंबर में जींस हो गया आपका, 5 नंबर का ये जींस हो गया, देखिए 71 मिनट में दिखाएगा। ये 6 नंबर में क्या एनर्जी सेविंग है, इसमें देखिए 64 मिनट में ये दिखाएगा। अब रिंग्स एंड स्पिन्स 7 नंबर देखिएगा जी, ये 23 मिनट में रिंग्स एंड स्पिन मतलब इसमें क्या करेगा धोएगा सुखाएगा गाइस। अब गाइस आता है इको ट्यूब, देखिए गाइस इको ट्यूब है ना ये 8 नंबर में, इसको आपको कब करना है 1 सेकंड इसको पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए 8 नंबर का सेट करना है इको ट्यूब, देखिए 2 आवर्स लिख रहा है मतलब 2 घंटा इसको लगेगा। इको ट्यूब है इस मशीन के लिए है, 8 नंबर जो है ये 8 नंबर ये इस प्रॉपरली इस मशीन के लिए ये दिया गया है 8 नंबर कि अगर आप इस वॉशिंग मशीन को यूज करते हैं तो करीब 30 डेज में अगर 30 वॉश करते हैं, इसे बोलता है कि 28-27 वॉश के बाद 28-27 वॉश के बाद आप इसे 8 नंबर में सेट कर दीजिए, 27 मतलब 30 वॉश से बोलता है लेकिन आप 27-28 वॉश के बाद ही आप इसे कर दीजिए और 8 नंबर में सेट करके आप छोड़ दीजिए इसे। और इस टाइम भी आपको टंकी पूरा फुल होना चाहिए क्योंकि बहुत पानी ये कंज्यूम करता है मतलब बहुत पानी लेता है, करीब करीब आपको 20 लीटर से 25 लीटर पानी खर्च करेगा ये, जब आप 8 नंबर में सेट कीजिएगा तो ये 25 लीटर पानी आपका खर्च करेगा, 20-25 लीटर पानी खर्च करेगा आपको। आप बता दें इसमें करता क्या है, इसमें पानी आपको पूरा ये ट्यूब में भर लेगा, पूरा इस ट्यूब में पूरा भर लेगा पानी और ये आपको पूरा वॉश करेगा ये गाइस, ये है ना ये पूरा ये ट्यूब को पूरा वॉश करता है। अब क्यों वॉश करता है, क्योंकि इसमें डिटर्जेंट क्या होते हैं चिपक जाते हैं कहीं कहीं इस होल में कहीं कहीं चिपक जाते हैं तो उसे साफ करता है अच्छे से, इसीलिए वो इको ट्यूब फंक्शन इसमें दिया है गाइज। तो गाइज बस अब इतना ही फंक्शन इसमें है और 2-3 चीज़ मैंने जो बोला है कि आपको ध्यान रखना है, तो ये सब चीज़ आप बहुत ही ध्यान रखिएगा चालू करने से पहले, और ये सब चीज़ आप जो मैं आपको बताया हूँ 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो सब चीज़ आपको ध्यान रखना है गाइज। इसमें बस सिंपली आपको फिर से बताते हैं कि इसको 1 नंबर सेट करना है और यहाँ पे टिप दीजिएगा चालू हो जाएगा, देखिए ये प्रोसेस ले रहा है, ये अभी कपड़ा नहीं है इसमें ये भी ग्रोथ नहीं इसलिए ये नहीं लेगा, ये फटाक समय ले लेगा वेट के अनुसार डिटेक्ट कर देगा कितना टाइम लेगा, इसको हम पॉज कर देंगे फिर 2 नंबर सेट करेंगे, तो फिर 2 नंबर सेट करके उसके बाद यहाँ पे प्ले का बटन यहाँ चालू कर देंगे ये चालू हो जाएगा, डिटेक्ट कर लेगा आपने पानी ले लेगा आपने। तो गाइस बस इतना ही है ये, इसको मैं अभी ऑफ कर देता हूँ, ये ऑफ हो गया और जब ये वॉश कर लेगा पूरा कंप्लीट वॉश कर लेगा गाइस फिर ये म्यूजिक इसमें म्यूजिक बजता है अपना सायरन देगा और सायरन देके और उसके बाद आपको बता देगा कि ये कैसे चीज होता है। एक चीज़ मैंने आपको और भी बताया गाइस, इसमें क्या है कि
ये इको ट्यूब का सिस्टम क्या है, ये इको बबल्स में, इसमें अगर आप लिक्विड डालते हैं, तो इसमें बबल्स कैसे आता है, इसमें आपको क्या करना है, उसमें लिक्विड डालने के बाद जब लिक्विड डाल दीजिएगा तो इसे आप अपना सेट कर लीजिए, एक नंबर पर सेट कर लीजिए, और उसके बाद फिर इसे इसमें 3 सेकंड में लिखा है ना, देखिए यहाँ पे स्टार 3 सेकंड, जहाँ पे स्टार है वहाँ पे 3 सेकंड आपको तक इसे पुश कर लेना था, इसको आप 3 सेकंड तक पुश कर लीजिएगा, ऐसे करके यहाँ पे ऐसे 3 सेकंड तक आप दबा लीजिएगा तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक फिर वो इको बबल्स जो है देख रहे होंगे, इको बबल्स ये चालू हो जाएगा ऑटोमेटिकली, अब वो घूमने लगेगा, उसमें बबल्स आने लगेगा। तो गाइस आता है हल्का हल्का बबल्स आता है, बहुत ज़्यादा नहीं आता है, हो सकता है मेरे टाइम स्पेशल नहीं है इसलिए आता है, लेकिन वो बबल्स आने लगता है। उसके बाद ये है इसमें चाइल्ड लॉक दिया गाइस, देखिए इसमें डिले इन बटन है, देखिए ये डिले इन बटन है, वाटर लेवल है, दोनों को एक साथ पुश करेंगे, एक साथ जब पुश करेंगे देखिए एक सेकंड गाइस, हाँ ये लॉक हो गया गाइस, ये चाइल्ड लॉक बटन है, इसे आप लॉक कर सकते हैं, दोनों को एक साथ पुश करना है गाइस, तो बस इसे मैं बंद करता हूँ, दोनों को एक साथ पुश करने पे ये चाइल्ड लॉक खो जाता है गाइस। बस गाइस अब इतना ही है, और ये है कि दोनों को एक साथ पुश कीजिएगा तो फिर आपका ये इसका साउंड बंद हो जाएगा, इसका साउंड बंद करने से उनको मतलब नहीं है, साउंड तो इसका होना ही चाहिए। तो गाइस बस इतना ही है वीडियो में, अगर आपको इस वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर लोग पता चल सके कि ये इसे ऑपरेट कैसे करना है। और गाइस अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे गाइस। वीडियो देखने के लिए गाइस बहुत बहुत धन्यवाद।